मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत। नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला, आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूडी पीजी के थ्रू जो बच्चे भी बीएचयू पीजी में एडमिशन लेना चाहते थे, उनके रजिस्ट्रेशन का, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो आज ही था। आज लास्ट डेट था उनके फॉर्म का, 25 मई। लेकिन अब बीएचयू ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये बीएचयू का पहला एक्सटेंशन है, यानी ये पहली बार डेट बढ़ाई गई है। लास्ट टाइम में 3 बार बढ़ाया गया था, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप लोग एकदम आराम से सोते रहो और अब जब बढ़ा हुआ डेट आपको मिल रहा है तो भी आप फॉर्म ना फिलअप करो। प्लीज आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अब आप जाके अपने फॉर्म को बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट, जो सामर्थ वाला नया वाला वेबसाइट बना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ओपन करते ही आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पहुंच जाओगे और अपना बकायदा फॉर्म फिलअप करिए। कोई प्रॉब्लम होता है, आप चाहो तो घर बैठे भी काउंसलिंग करा सकते हो, यानी घर बैठे भी फॉर्म फिलअप करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है या इस वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, काउंसलिंग वाला करके नंबर है, प्लीज आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके अपनी काउंसलिंग या अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये न्यूज आप अपने दोस्तों को बता दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी सो रहे होंगे और कहीं ना कहीं या किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या किसी ग्लिचेस की वजह से अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए होंगे, तो अब वो जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे कि सर जब फॉर्म का डेट बढ़ गया तो करेक्शन विंडो कब आएगा, क्योंकि करेक्शन विंडो की जो डेट रखी गई थी ऑफिशियल लिस्ट में उनके, वो 26 और 27 रखी गई थी। भाई अब ये डेट, क्योंकि 3rd जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। ठीक है, इस डेट को बढ़ाया गया है कितने दिन तक, 3rd जून तक, यानी तीन कमिंग मंथ के 3 जून तक इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। और जो करेक्शन विंडो है उसको कर दिया गया 5 और 6 जून को। ठीक है, तो जो बच्चे भी करेक्शन करना चाहते थे, ध्यान देना कि करेक्शन विंडो में लिमिटेशंस होते हैं, आप बहुत ज्यादा करेक्शंस नहीं कर पाओगे, हर एक कॉलम में नहीं कर पाओगे। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि करेक्शन विंडो में क्या क्या आप अपडेट कर पाओगे, कमिंग विंडोज में मैं कभी डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि अभी इसके लिए भी मुझे बीएचयू ऑफिस एक बार विजिट करना पड़ेगा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं इस पर। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और कमिंग वीडियोज मेरे जो भी हैं वो वीडियो जरूर देखें। और आपसे निवेदन ये भी है कि फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना, क्योंकि फॉर्म अगर भरने में गलत कर दोगे तो फिर आपका एडमिशन जो है वो हो नहीं पाएगा। आप चाहो तो काउंसलिंग वाले का हेल्प लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसको कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, जो पैसा आप साइबर वाले को देते हो वही पैसा या उससे कम आप इनको दे दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। हर हर महादेव।